नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। कश्मीर में हुई हत्याओं की वजह से दहशत का माहौल, प्रवासी श्रमिक कर रहे हैं पलायन, किसानों ने रेल रोककर किया सवाल, आरोपी मंत्री क्यों नहीं हो सकता बर्खास्त, उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों का हाल बेहाल, सरकार से मुआवजे का इंतजार, उत्तराखंड में बारिश के कहर से 3 की मौत, 4 धाम यात्रा रद्द। और कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में करीब 13,000 नए मामले, 164 मरीजों की मौत। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में इस अक्टूबर के महीने में आतंकवादी हमलों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से इलाके में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी के मद्देनज़र क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस महीने मारे गए 11 में से 5 नागरिक दूसरे राज्यों के थे। सोमवार से ही श्रीनगर के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। विपक्षी नेताओं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इन हत्याओं पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। कश्मीर में क्या हो रहा है, इस पर देखिए न्यूज क्लिक के संवाददाता कामरान यूसुफ की यह ग्राउंड रिपोर्ट। टू मोर किलिंग्स ऑफ स्मॉल टाइम स्ट्रीट वेंडर्स मार्क स्टेप अप ऑफ अटैक्स अगेंस्ट नॉन लोकल्स इन कश्मीर। द फर्स्ट अटैक टुक प्लेस इन श्रीनगर ईदगाह लोकेलिटी वेयर अ स्ट्रीट वेंडर फ्रॉम बिहार आइडेंटिफाइड एज अरविंद कुमार सन वॉज शॉट डेड। This place of shooting is not far from the government-run school where two teachers from the minority community, including the school's female principals, were killed earlier this month. After the spate of these killings, there is a fear psychosis amongst the non-locals who are working in Jammu and Kashmir. रात में नहीं सो पाते हैं, ऐसे ऐसे काम पे भी डर के हमारे धीरे-धीरे करते हैं। माल जो फंसा हुआ बस माल निकलेगा, मैं सभी कर लेंगे, गांव चले जाएंगे वापस अभी। दो महीने के लिए फिलहाल यहाँ तो हालत खराब है। The fear of getting killed and getting targeted is quite high among the non-locals here, and many of them have started fleeing Srinagar. यहाँ पे हम बहुत दिन से हैं। तो अभी क्यों जा रहे हो आप? अभी जा रहे हैं हालात के वजह से। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं था कभी, लेकिन ऐसा हो रहा है जो कि हम लोग को यहाँ से जाना पड़ रहा है। शाम होता है, कल उधर ठोक दिया किसी को, परसों उधर, ये रोज का कहानी है, इसलिए हम लोग डर से वापस जा रहे हैं। अभी फिलहाल आइसक्रीम का काम कर रहे थे। तो क्यों जा रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं हालात खराब हो रहा। शाम पहले तो शाम को मार देता था, अब दिन में भी मार देता है, जब मर्जी होता तब मार देता है। डर से जा रहा हूँ। In light of these new developments, there is an increased Jammu and Kashmir police presence across board and a lot of tension has come up in the valley. अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल सोमवार को लाखों किसान देश के विभिन्न जगहों पर रेल रोकने के लिए उतरे। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के बाद किसान गुस्से में हैं और सोमवार को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कैबिनेट से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों और पटरियों पर प्रदर्शन किया। देखिए न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा आंदोलन पीसफुल है, हम तो वायलेंस कर ही नहीं है, वो हमारे पर हम वायलेंस कर रहे हैं। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा उस आवाज को ये सरकार कुचलने का प्रयास करेगी, उस आवाज को ये दबाने का प्रयास करेगी। हमें अपने देश की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भरोसा है और सरकार को आज नहीं तो कल न्याय के लिए और जांच के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बर्खास्त को लेकर रेल बंद में शामिल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम हरियाणा में सोनीपत रेलवे स्टेशन पे हैं, जहां किसान आज पटरियों पर उतरे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि उन्होंने पटरियां पूरी तरीके से जाम कर दी हैं ताकि रेलवे का कोई भी यातायात जो है वो ना हो पाए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में जो हिंसा की घटना हुई थी उसके बाद में पूरे देश में 18 अक्टूबर को रेल रोकने का आह्वान दिया था। इसी के तहत जो है किसान हजारों की संख्या में अलग अलग स्टेशनों पे देश में उतरे हैं। हम अभी यहाँ पे सोनीपत में हैं, यहाँ पे हमने कुछ किसानों से बातचीत की है और उनसे जो ये बातचीत हुई है
वो स्पष्ट तौर पर बता रही है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी ना तो बर्खास्तगी हुई है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, और इसके कारण वो काफी गुस्से में हैं, और वो जब तक इनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन को तेज करने के लिए, जारी करने के लिए संघर्षरत रहेंगे। देखिए, इसका पॉलिटिकल मैसेज ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो गुंडों का साथ दे रही है, गुंडों मवाली जैसे भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पनाह दी जा रही है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ ये 3 तारीख को नहीं, इसकी शुरुआत 25 तारीख को हुई थी, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने ये कहा था कि मैं विधायक, सांसद और मंत्री बनने से पहले क्या था ये सब लोग जानते हैं। क्या थे उससे पहले? वो तस्कर थे, आज भी तस्करी करते हैं। क्या थे उससे पहले? वो गुंडागर्दी करते थे, अपहरण जैसे मुकदमे, हत्या जैसे मुकदमे, 4 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे थे। तो एक बात ये समझने की है कि मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा करना है, वो इस बात को कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो गुंडे थे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? यदि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लेके उनके ऊपर कार्रवाई की होती कि भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, यदि उस समय उनको बर्खास्त किया होता तो शायद उनके ये 3 तारीख को इस तरह के हत्याकांड को अंजाम ना दिया जाता। तो जो इसका मैसेजिंग है वो साफ है। किसान ने तो आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया बहुत भारी, और ये देश को तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक समुदाय को आगे ले जाना चाहते हैं, और उसमें भी जो धनाढ्य हैं, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनके सारे से देश चला, ऐसे देश नहीं चलता। आधा हमारी फसल बर्बाद होगी, सारी हमारा सब बर्बाद हो गया, बाड़ी सारी खराब होगी, हमारा धान सारा खराब हो गया, लेकिन सरकार ने एक पैसा भी मुआवजे का आज तक नहीं दे लिया, और ये आगे बुआई कैसे होगी? पानी खड़ा है खेतों में, यूरिया डीएपी नहीं, डीएपी का आज ये अखबार में है, कहीं है ही नहीं। अब गेहूं की बुआई करानी है, यूरिया कहीं है ही नहीं, डीएपी नहीं है, बताइए। अब ब्लैक में जा रहा है। तो ये सरकार जो है, ये सरकार किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा उस आवाज को ये सरकार कुचलने का प्रयास करेगी, उस आवाज को ये दबाने का प्रयास करेगी। देखिए, हमें सरकार से चाहे उम्मीद ना भी हो, लेकिन अपने जो देश में लोकतंत्र है और हमारा जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में हमारा देश की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं चलती हैं, और न्याय सबसे सर्वप्रिय प्रक्रिया है हमारे संविधान की। तो हमें अपने देश की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भरोसा है, और सरकार को आज नहीं तो कल न्याय के लिए और जांच के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और हम जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो ये राजशाही है और जो सरकार के दिमाग में ये फीड हो गया है कि हम तानाशाही करके लोगों के दिमाग में हत्या का डर बिठा करके उनको घरों के अंदर हम कर सकते हैं, तो ये सरकार का वहम है। उत्तर प्रदेश में रविवार से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसमें मंगलवार यानी आज 19 तारीख को यूपी और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। बारिश से खेती किसानी को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है और 2 मजदूरों की मौत की भी खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने का फैसला किया गया है, हालांकि ये मुआवजा कब और कितना मिलेगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि मौसम विभाग ने कई दिन पहले ही 16 से 19 अक्टूबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवा, गरज और बिजली कड़कने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया था। पूर्वानुमान के मुताबिक ही दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में बेमौसम बरसात ने भारी तबाही मचाई है। धान समेत खरीफ की दूसरी फसलों की कटाई कर रहे किसानों के लिए मौसम का बदला रुख आफत बन गया है। यूपी बिहार में ज्यादातर किसानों का धान अभी खेत में लगा हुआ है, जबकि हरियाणा पंजाब में कटाई आखिरी चरण में है। मौसम के जानकारों ने कहा था कि इस बारिश की वजह से खेती को काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसका नतीजा अब देखने को भी मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है, और पिछले 3 दिनों से ही हो रही बारिश का खौफनाक मंजर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। यहाँ बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के 3 मजदूरों की मौत पौड़ी जिले के लंचडाउन में हुई है। वहीं बारिश को देखते हुए 4 धाम यात्रा को भी रोक दिया गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से जाने वाली ट्रेनों को भी मंगलवार सुबह को रद्द कर दिया गया।
मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिन की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके तहत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। आखिर में बात कोविड की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 19 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के करीब 13,000 नए मामले दर्ज किए गए और 164 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इस बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित करीब 19,400 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में लगभग 6,500 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,00,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 3,34,00,000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर लगभग 1,83,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 98,60,00,000 से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 87,00,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। तो आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी हिंदी और अंग्रेजी की वेबसाइट पर विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।